नमस्कार दोस्तों, अगर आपके बच्चे हैं 12वीं पास कर चुके हैं, उनकी हायर एजुकेशन के लिए अगर आपको 100% फंडिंग चाहिए तो ये वीडियो देखिए, क्योंकि इस वीडियो में इस योजना की मदद से मैं बात कर रहा हूँ यशस्वी योजना के बारे में। ये योजना पीएम के द्वारा चलाई जाती है, यानी कि प्रधानमंत्री की योजना है, और इस योजना में आपके बच्चे की पूरी एजुकेशन फंडिंग, जब तक वो पढ़ाई कर रहा है, जो भी कोर्स कर रहा है, चाहे वो टेक्निकल हो, मेडिकल हो, या फिर अगर आप लोगों की किसी भी तरह के ऐसे कोर्सेज हों जो इस योजना में हैं, जो मैं आप लोगों को सारी डिटेल्स दूंगा किस किस तरीके के कोर्सेज, कौन कौन से कॉलेजेस इसमें शामिल हैं, तो आपके बच्चे की पूरी फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से उठाई जाएगी। आपको एक रुपये भी नहीं देना है। ध्यान रखने वाली कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, और सारी डिटेल्स, जितने भी लिंक्स मैं आप लोगों को दूंगा वो मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है विद डिटेल्ड आर्टिकल, जाकर के आप लोग उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं यशस्वी योजना है किन के लिए। देखिए, यशस्वी योजना को बनाया गया है ओबीसी के लिए या फिर अदर बैकवर्ड कैटेगरी, जैसे कि अगर हम बात करते हैं एससी एसटी, तो वो भी इस योजना में आ जाते हैं। मेनली फोकस जो है वो ओबीसी के लिए रखा गया है, यानी कि अगर ओबीसी या फिर ईबीएस के या फिर एचएनटी के लोग हैं, इस वर्ग के लोग हैं, तो जो प्रायोरिटी में रखा जाएगा, जो स्टूडेंट प्रायोरिटी में रहेंगे वो रहेंगे ओबीसी में। तो ध्यान रहे कि आप लोग अगर बिलोंग करते हैं तो ओबीसी की कैटेगरी से जनरल या फिर स्वर्ण वर्ग इस योजना के एप्लीकेबल नहीं है या फिर इसके लिए योग्य नहीं है। तो ये एक पहली एलिजिबिलिटी है। और ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसमें आपके एजुकेशन की मैक्सिमम फंडिंग जो होती है वो 2 लाख रुपए तक होती है। और अगर आप लोग पायलट की ट्रेनिंग ले रहे हैं किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, तो वहाँ पे आप लोगों की जो फंडिंग है वो 3.5 लाख रुपए तक चली जाएगी। और मजे की बात ये है कि आपको गवर्नमेंट खर्चा भी देती है, आपको हर महीने 3,000 रुपए स्टूडेंट के लिए खर्चा मिलेगा। और अगर आप लोग पीसी लैपटॉप परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी 45,000 रुपीज़ गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड कराया जाता है। इसकी पूरी प्रोसेस, कैसे आप लोगों को ये सब्सिडी वगैरह मिलती है और कैसे ये जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, एड ऑन्स हैं, ये आप लोगों को मिलता है आपके स्कॉलरशिप में, वो सब कुछ मैंने आप लोगों को डिटेल आर्टिकल में दे रखा है। बात करते हैं कि अगर आप लोगों को अप्लाई करना है या फिर इसके लिए अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं तो उस कंडीशन में क्या करना होगा। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को ये फाइंड आउट करना होगा, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं उस कॉलेज में ये स्कीम अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि उसी की मेरिट के अकॉर्डिंग वही कॉलेज आप लोगों की मेरिट बनाएगा और उसी के अकॉर्डिंग ही बनेगा आप लोगों का। ऐसे बहुत सारे कंडीशंस हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर कोई इंस्टीट्यूट एक एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज कराता है यशस्वी योजना के लिए, जिसमें वो मेरिट रखता है, मेरिट आप लोगों की 12th के रिजल्ट के आधार पर भी डिसाइड होगी, प्लस जो आप लोग वहां पे गेन करेंगे उसके आधार पर भी डिसाइड होगी। तो यहां पे मान लीजिए कि अगर आपने 100 में से 90 नंबर या फिर 80 नंबर पाए तो एक मेरिट का कट ऑफ आएगा, उसके ऊपर जितने लोग भी रहेंगे उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। यानी कि पूरी तरीके से जो भी चीज़ें होंगी वो आपकी इंस्टीट्यूशंस की तरफ से भेजी जाएंगी और तब जाकर के आप लोग यशस्वी योजना के लिए अप्लाई कर पाओगे और इसका लाभ ले पाओगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि और भी अदर स्कीम्स की तरफ से, जैसे कि आप लोगों को अगर इस योजना में लाभ नहीं मिल पाता है तो गवर्नमेंट की और भी स्कीम्स हैं, जैसे कि स्टेट की स्कीम्स चलाई जाती हैं जिनमें आप लोगों की 70-80% पैसे जो हैं वो स्कॉलरशिप के थ्रू मिल जाते हैं। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की क्या जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले तो अगर आप लोगों की कोई काउंसलिंग डॉक्यूमेंट है या फिर अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे करके उसको लिया हुआ है, उस कॉलेज को लिया हुआ है, तो वो उसकी जरूरत पड़ेगी। हाँ, अगर किसी की रिकमेंडेशन पे या फिर डायरेक्ट आप एडमिशन ले रहे हैं कॉलेज में तो उस कंडीशन में आप लोगों को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। लेकिन एक चीज़ और है कि अगर आप सेकेंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं या फिर फोर्थ ईयर में हैं, अगर आप बीटेक या फिर इस तरह के कोर्सेज कर रहे हैं, टेक्निकल कोर्सेज, तो उसमें 4-4, 8-8 सेमेस्टर तक जाते हैं, तो अगर आप लोग वहाँ पे हैं तो ये इस योजना का लाभ ले सकते हैं। हर ईयर के बच्चों के लिए यह योजना खुला हुआ है। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि 12th पास होना चाहिए, ओबीसी होना चाहिए, और ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपकी फैमिली की इनकम जो है वो 2.5 लाख से नीचे होनी चाहिए, पूरी फैमिली की इनकम। जैसे कि अगर आपके साथ में चाचा उचा भी रह रहे हैं, बंटवारा नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में 2.5 लाख रुपए तक की फैमिली इनकम होनी चाहिए।
उससे ज़्यादा अगर होगी तो आप लोग इस योजना के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए इस योजना में अप्लाई करने के लिए आप लोगों को इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, आपको रेजिडेंट सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा। ये तीन डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं जिनको आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, और ये सारा कुछ देखने के बाद आपका कॉलेज वेरीफाई करेगा और आपको एग्ज़ाम में बैठने देगा, फिर जा करके वो आपकी मेरिट को भेजेगा और उसके बाद आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको पूरी फीस की डिटेल एक से लेकर के जितने भी फीसेस लग रही हैं, जो भी नॉन रिफंडेबल फीसेस हैं, उनको भी आपको ऐड करना पड़ेगा। अप टू 2 लाख रुपीस तक का आपको फायदा मिलेगा इसमें, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया 3.5 लाख रुपए तक का, अगर आप लोग कहीं पे पायलट ट्रेनिंग ले रहे हैं ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशन से, तो उनके फीसेस महंगे होते हैं। तो नॉन रिफंडेबल और जो भी आपकी फीसेस हैं वो सारा कुछ इंक्लूड करके यहाँ पे मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक ही आप लोगों को इस स्कॉलरशिप से बेनिफिट मिलेगा। अगर इसके ऊपर है तो वो खर्चे आपको अपनी तरफ से देने पड़ेंगे। अब आप लोगों के भीतर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कोई कॉलेज में 100% सीट है और वो 100% सीट फर्स्ट ईयर में नहीं भरी है, मान लीजिए 60% भरी है, 70% भरी है, तो उसके आगे की जो वैकेंट 30% सीट है उनका क्या होगा। तो ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब मैंने आप लोगों के लिए आर्टिकल पे पब्लिश कर रखा है, उसको जाकर के आप पढ़िए इत्मीनान से। कोई दिक्कत होगी तो वहां भी आप मुझसे पूछ सकते हैं या फिर यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको बता दूं तो जो भी वैकेंट सीटें होंगी ना वो आपकी सेकेंड ईयर के लिए ट्रांसफर हो जाएंगी। अगर वहां भी पूरी सीटें नहीं भर पाती हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एक कॉलेज को दिया गया है 1000 सीटें, ठीक है, तो 1000 सीटें जो भी होंगी, या फिर कह लीजिए कि इस योजना का लाभ 1000 स्टूडेंट को मिलना होगा, ठीक है, तो जो भी ओबीसी के छात्र होंगे या फिर डीएनटी या फिर ईबीसी के छात्र होंगे इस कैटेगरी के, तो यहाँ पे मान लीजिए कि अगर 600 बच्चे आए वहाँ पे, 600 बच्चे फर्स्ट ईयर में भर गए, अभी 400 बचे हुए हैं, इन सीट को अलॉट होना बाकी है, यानी कि सीट अलॉट होने की इस स्कीम में 400 बचे हैं। अब 200 जो 400 सेकेंड ईयर में जाएंगे, अब वहाँ पे मान लीजिए 200 भरे, अब 200 वहाँ बच गए तो वो थर्ड ईयर में चला जाएगा। ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी सीटें आवंटित करी जाएंगी वो ओबीसी की प्रायोरिटी पे करी जाएंगी और आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग ही करी जाएंगी। अब मान लीजिए किसी का सेम नंबर आ जाता है, उस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में जिसकी भी फैमिली फाइनेंशियली ज़्यादा वीकर होगी, कमज़ोर होगी, उनको ये सीट दे दिया जाएगा और उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। आई होप आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे, और ये योजना कैसे काम करती है, कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस है, वो सब कुछ मैंने आप लोगों को लिंक के थ्रू नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। बाकी अगर इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं क्या आप इस योजना का लाभ ले रहे हैं। और ध्यान रखिए कि अगर आप इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो हर साल आप लोगों को इसके लिए रिन्यूअल के लिए डालना पड़ेगा, लेकिन अगर आप एक बार इस योजना का लाभ लेने लगते हैं तो आपको आने वाले जितने भी, जैसे कि अगर आप कोई टेक्निकल कोर्सेज कर रहे हैं तो आपके 8 सेमेस्टर की पूरी 100% फीस यहां पे अप टू 2 लाख रुपीज तक फाइनेंस करी जाएगी। और ध्यान रखिए कि अगर आप लोगों का कोई ईयर बैक लग गया या फिर किसी वजह से आप लोग टर्मिनेट कर दिए गए कॉलेज से, तो उस कंडीशन में आप लोगों का पूरा जो भी आगे मिलने वाला बेनिफिट था आप लोगों को फ्यूचर में कभी भी नहीं मिलेगा। वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं इस तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आप लोगों का दिन शुभ हो, जय हिंद।